अब बात करेंगे अगले राज्य झारखंड की। हालांकि महाराजगंज से यानी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से झारखंड के गढ़वा की दूरी करीब 450 किलोमीटर है, लेकिन यहां पर भी वैसी घटना हुई जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। मौका था मां दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन का, लेकिन इसी दौरान बवाल मच गया। गढ़वा जिले में भंडरिया के मदागड़ी गांव और पुलिस प्रशासन के बीच यहां पर जमकर बवाल हुआ। इस झड़प में SSP समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। झड़प के दौरान ग्रामीणों ने कई गाड़ियों को तोड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने ग्रामीणों पर फायरिंग की। झड़प में SP राहुल देव और DSP रोहित रंजन सिंह घायल हो गए हैं। बवाल की वजह थी यात्रा का रूट बंद होना। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने उन सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर रखी थी जहां दूसरे समुदाय के लोग रहे हैं। अब पुलिस को सामुदायिक तनाव की आशंका थी। ग्रामीण पहले से तय रास्ते से प्रतिमा विसर्जन के लिए जाने लगे थे। तो यहां पर देख रहे हैं कि विसर्जन के लिए जा रहे थे, कई सारे रास्तों को बंद कर दिया गया था। अब ग्रामीणों का यह कहना है कि जो बैरिकेडिंग के रास्ते किए गए थे वो उनके पारंपरिक रास्ते हैं जहां से वो प्रतिमा को लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको इजाजत नहीं दी, जिसके बाद जो वहां मौजूद लोग थे उन्होंने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया, ग्रामीणों के साथ धक्का मुक्की हुई और उसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। उनका आरोप था कि पुलिस उनका साथ नहीं दे रही है, उनके रास्तों को बदल दिया जा रहा है। और उसके बाद देखिए जबरदस्त बवाल हुआ, यहाँ पत्थरबाजी हुई, जो हाथ में मिला उसे लेकर इस जुलूस में मौजूद लोगों ने पुलिस पर ही दावा बोल दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने इन पर फायरिंग की, बल प्रयोग किया, लाठी चलाई और यहां पर पुलिस की गाड़ियां भी आप देख सकते हैं, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया, गाड़ियों को खेतों में फेंक दिया गया उठा के। विसर्जन का जुलूस है उसके मार्ग को लेकर के विवाद हुआ है, उसमें पुलिस बल जो तैनात थे, वार्ता चल रही थी, जो विसर्जन जुलूस में प्रोसेशन के लोग थे उनके साथ में, वार्ता के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है वो पथराव किया जाने लगा, जिससे कि थोड़ा भगदड़ की स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है और पुलिस को इसको तितर बितर करने के लिए जो भीड़ था, जमावड़ा था, उसको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का गोला भी छोड़ना पड़ा। इस पथराव के क्रम में हमारे एडिशनल SP ऑपरेशन राहुल देव भाई, उनको सर पे हल्की चोटें आई, जिनका भी प्राथमिक उपचार किया गया है और एडिशनल फोर्स भी हम लोग वहाँ पे भिजवाए हैं और सारी स्थिति की निगरानी हम लोग कर रहे हैं, लोगों से वार्ता हो रही है और उम्मीद है कि कुछ ही समय में इसका हल निकाल करके हम लोग मूर्ति का विसर्जन। अब आपने पुलिस का इसमें जो वर्जन है तो सुन लिया है, लेकिन जो वहां के प्रशासन के DC हैं उनका क्या कहना है? जिस वक्त प्रशासन दोनों पक्षों को समझाने लगा था तभी बताया जा रहा है कि कुछ बाहरी लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके चलते यह माहौल खराब हुआ है। मामला है बेसिकली कुछ रास्ते के विवाद को लेकर, दो समुदाय के लोग के बीच में जो ये मामला चल रहा था, जो प्रीवियसली 4-5 साल से जहाँ से लोग आते रहे थे उसी पॉइंट पर हम लोगों ने किया था, सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया था कि भाई जैसे प्रीवियस 2-3-4 ईयर से चल रहे हैं उसी में आप चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग रूट्स पर चल रहे हैं, एंड बाय एंड लार्ज सारे लोग मान भी गए थे। बट आज की जो घटना घटी है, अचानक से कुछ लोग, हम लोग प्रशासन जो अपना होता है अपना एहतियात के तौर पर अपना बैरिकेडिंग है, सारे फोर्स माइज स्टेगल डिप्लॉयमेंट 144 CRPC वगैरह सारा हम लोग इंश्योर कराए हुए थे, बट अचानक से कुछ ऐसा लगा जैसे बाहरी तत्वों ने रोड़ेबाजी, पत्थरबाजी, फटाफटी कर दिया, जिसके कारण कुछ समय के लिए बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होने लगा। उसमें हम लोगों ने, शासन ने बहुत रिस्ट्रेन बढ़ता, लोगों को समझाया बुझाया, बाद में लोग मान भी गए और अभी देखिएगा सिर्फ गांव वाले ही रह गए हैं, सारे के सारे लोग बाहरी लोग सब जा चुके हैं और उन लोगों से बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए सबको दशहरा आज तक गढ़वा बहुत ही सुखद माहौल में रहा है, इस चीज़ को आप मेनटेन रखें। बहुत तो मान भी गए और हमको लग रहा है कि सारे लोग इस बात को समझेंगे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कितना इम्पोर्टेंट है गढ़वा शहर के लिए। लेकिन गांव वालों का कहना है कि उनका रूट पुलिस ने काट दिया है और जब तक प्रशासन उन्हें रूट नहीं देता है तब तक प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगा और पंडाल में ही माँ की पूजा होती रहेगी। अभी मेरा स्थिति यह है कि अभी मेरा लाइसेंस का रूट काट दिया गया है, इसके एवज में हम सभी सनातनी धर्म प्रेमी, पूरे कमेटी, पूरे ग्राम, हम लोग इस मार्ग पर अडिग हैं कि हम जब तक मेरा लाइसेंस क्लियर नहीं होगा, हमको रूट क्लियर नहीं मिलेगा, हम मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे, हम प्रतिमा को रखकर
पूजा अनुभव करते हैं। अभी तक हम लोग मूर्ति यहाँ नहीं उठाए हैं, मूर्ति यथावत पंडाल में है। क्या? हाँ जी, झड़प हुआ तो पुलिस वाले लोग ब्रैकेट लगाए हुए थे, कुछ लोगों को इधर से उधर आने जाने में परेशानी हो रहा था, कुछ महिला लोग भी जाना चाह रही थी अपने अपने घर। पुलिस वाले समझ लिए कि ये लोग बात जबरदस्ती कर रहे हैं, उसमें कुछ लड़के लोग भी थे, दोनों तरफ से ढोकला ढोकली हो गया और डीएसपी साहब के तरफ से शुरुआत में लाठी से चार्ज कर दिया। और हमारे साथ मुकेश सिन्हा संवाददाता जुड़ गए हैं। मुकेश, फिलहाल क्या हालात है और आखिरकार प्रशासन जो गांव वाले हैं उनको रूट क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए अमित, ये सबसे बता दूं कि अभी फिलहाल स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। मूर्तियां जो है अभी पंडालों में स्थित है और गांव वाले जो है ग्रामीण जितने भी हैं वो रूट क्लियर करने की मांग कर रहे हैं कि जो रूट से उनको विसर्जन करने दिया जाए वो रूट पहले जो रूट था उसी रूट पे दिया जाए। लेकिन ये रूट जो है कुछ इलाके हैं जिसमें दूसरे समुदाय के लोगों का इलाका आता है, वो समुदाय जिससे कि कोई ना कोई घटना होने की संभावना है। यही कारण है कि पुलिस ने इस बार एहतियातन उस रूट को बंद रखा है और ग्रामीण चाहते हैं कि इसी रूट से हमें मूर्ति विसर्जन की आज्ञा दी जाए सरकार के द्वारा। लेकिन प्रशासन जो है नहीं चाहता है कि कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जिससे कि एक माहौल खराब हो, एक तनाव पैदा हो, और यही कारण है कि अभी भी माहौल जो है गांव में तनावपूर्ण है फिलहाल, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। जी अमित जी, और यहाँ जो गांव वाले हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने तो जो हमने अभी तक उनकी बयान को सुना है वो तब तक नहीं अब मूर्ति को विसर्जन देंगे जब तक ही रूट नहीं मिलता है। ऐसे प्रशासन कैसे इनकी अमाउंट को मांगेंगी और कैसे इनके लिए रास्ता बनाएगी, क्योंकि काम तो प्रशासन का रास्ता दिलवाना। जी देखिए अमित, ये आसान नहीं होगा क्योंकि ग्रामीण जो इलाका होता है उसमें एक जो तय हो जाता है ग्रामीणों के द्वारा मिल करके वो ज्यादातर वही होता है। प्रशासन की बात, प्रशासन को भी उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन फिलहाल जो माहौल खराब ना हो, चुनाव का समय आने वाला है और ऐसे में कोई तनाव पैदा ना हो, इसलिए पुलिस भी चाहती है कि एहतियात की जो स्थिति है जब उस समुदाय के इलाकों से मूर्ति विसर्जन को ना गुजारा जाए और माहौल। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि क्या आजादी नहीं है यहाँ पर? लोग अपने देवी की प्रतिमा को देश के अंदर ही अपने गाँव में किसी भी रूट से लेकर जाए, लेकिन ये प्रशासन का काम है कि उनको सुरक्षा दे। अब बिहार में देखिए कि यही वजह से, ये जो वजह है जो आपको यहाँ पर नजर आई झारखंड में गढ़वा में, उसी तरह का हाल यहाँ पर बिहार के सीतामढ़ी में देखने को मिला। अरे एक समुदाय के अब जो उनके स्थल है मस्जिद के सामने से जब प्रतिमा विसर्जन को ले जाया जा रहा था उसके ऊपर पत्थरबाजी हो गई और इसमें एक जान चली गई व्यक्ति की, आधा जन पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। माहौल क्या है यहाँ पर देखिए आप। बिहार के सीतामढ़ी में भी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान छतों से पथराव किए जाने से भगदड़ मच गई। इस पथराव में एक पुलिस अधिकारी के अलावा आधा दर्जन पुलिसकर्मी समेत दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। पत्थरबाजी की यह घटना सीतामढ़ी के बेलसंड बाजार की है, जहां पर सुबह के वक्त नवयुवक पूजा समिति के लोग बेलसंड रजिस्ट्री चौक पर स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति नगर भ्रमण के बाद निर्धारित रूट से विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। तभी मस्जिद में आगे बढ़ने के बाद घरों की छतों से पत्थरबाजी की जाने लगी, जिसके बाद यात्रा में शामिल लोग मां दुर्गा की प्रतिमा वहीं छोड़कर भागने लगे। वहीं घटना की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठी चार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ा। इस दौरान कुछ लोग पुलिस टीम पर भी हमला करते दिखे। जब मूर्ति को बेलसन बाजार होते हुए विसर्जन स्थल की ओर ले जाया जा रहा था तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई गई, जिसके कारण बेलसन बाजार तथा विसर्जन स्थल के पास तनाव उत्पन्न हो गया। प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। ड्रोन वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के आधार पर असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। इस तरह के अफवाह फैलाने वालों पर चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेलसंड बाजार में हुई पत्थरबाजी और हंगामे के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात।